कोरोना महामारी की बिगड़ती परिस्थितियों में जनता की सेवा के लिए परासिया से कांग्रेस विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने ऑक्सीजन के 25 मिनी सिलेंडर की व्यवस्था की है। ये सभी ऑक्सीजन सिलेंडर कांग्रेस कार्यालय में रखे गए हैं। कोरोना महामारी शहर से गांव तक पैर पसार चुकी है, ऐसे में जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े और तबीयत बिगड़ने पर ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके, इसके लिए कांग्रेस पार्टी के परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने व्यक्तिगत तौर पर जनसेवा के लिए परासिया कांग्रेस कार्यालय में ऑक्सीजन के 25 मिनी सिलेंडर की व्यवस्था की है। सोहनलाल वाल्मीकि ने बताया कि महामारी के इस दौर में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़ा और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोरोना महामारी में मरीज थे और ठीक तो हुए मगर घरों पर उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ऐसी आपदा में सहयोग के लिए ही हमने ये व्यवस्था बनाई है जिससे कोरोना काल में इस महामारी में किसी को भी ऑक्सीजन के लिए भटकना ना पड़े। कार्यालय परासिया में हमारे सभी साथियों के साथ में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमने जो मिनी ऑक्सीजन सिलेंडर है लगभग 25 सिलेंडर हमने बुलवाया व्यक्तिगत रूप से, और ये व्यक्तिगत रूप से इसलिए बुलाया क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो कोरोना के मरीज थे और वो ठीक हो रहे हैं और ठीक होने के बाद उनको छुट्टी दी जाती है अस्पताल से, तो उनको घरों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने मेरी खुद व्यक्तिगत व्यवस्था के अनुसार हमने ये 25 ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर लाए हैं और जिनको भी आवश्यकता होगी जो घर में मरीज हैं उनको देने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।